हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आइए आज के हाउस प्लान की बात कर लेते हैं। आज का हाउस 40x50 फिट का है और 2000 स्क्वायर फिट का ये एरिया है। तो अगर इसकी गज में बात करें तो 222 गज का ये प्लॉट है। जो हमारे हाउस की बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ रही होंगी। अभी हम एंट्री लेंगे हमारे हाउस में और इसी के साथ आप हाउस का ओवरऑल व्यू देख लीजिए। और एंट्री करते ही आप सामने देख सकते हैं, आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है और आप इस पार्किंग में दो कार अपनी आराम से खड़ी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको फ्रंट में ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आपको एक बाहर कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, ताकि आपके घर में जो भी आए गेस्ट उनके अलग से यूज़ के लिए रहे। दोस्तों एंट्रेंस के लिए आपको दो अलग से सेपरेट गेट देखने को मिल जाते हैं। आपका एक गेट बाहर से रहेगा और एक गेट जो हमारे हाउस का ड्राइंग रूम है वहां से रहेगा। और इसी के साथ आप हमारे हाउस का ड्राइंग रूम देख सकते हैं, इसकी सीलिंग डिज़ाइंस देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसकी बात करें तो आपको ओवरऑल एक लग्जरी फील आने वाला है इस रूम में। और दोस्तों इसी के साथ हम जो हमारा अलग से गेट रहेगा वहाँ से हम हमारे हाउस के लिविंग एरिया में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया लिविंग प्लस डाइनिंग है और आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए, आप इसके सीलिंग डिज़ाइंस देख सकते हैं। हमारे लिविंग एरिया का जो स्टेयर ब्लॉक है ये आपको ऊपर से ड्यूप्लेक्स देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे हाउस का राइट साइड में हमने एक ऑफसेट दिया है हम आपको वो दिखाते हैं। तो इससे पहले आप देख सकते हैं स्टेयर के नीचे आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। हमने यहाँ पर वाटर बॉडी दिया है और इसी के साथ आपको इसमें वैनिटी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके ऑफसेट की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है काफ़ी। तो आपकी इसी जगह हमारे हाउस की वेंटिलेशन अच्छी तरीके से होती रहेगी, इसमें आपको कोई भी वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही आप देख सकते हैं हम आपको हमारे हाउस के एंट्रेंस के सामने ही एक पूजा रूम देखने को मिल जाएगा, ताकि हमारे घर में एक अच्छा माहौल बना रहे। तो इसी के साथ आपको हमारे घर का एक अच्छा सा किचन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आपको किचन के पीछे ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है, ताकि आपको यहाँ से वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत ना आए, आप इस जगह को अपने हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं हमने एंट्री ले ली है हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको हर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट और अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाएगा। और जो रूम के साइज़ रहेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, आप इनको स्पेशियस रूम भी बोल सकते हैं।
और जो हमारे हाउस का लिविंग एरिया है, आपको यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ऊपर चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर का आप सीलिंग डिजाइन देख सकते हैं। हमने इसमें एक शैंडलियर भी दिया है, आप देख लीजिए अच्छी लाइटनिंग के साथ है। और दोस्तों हम जब ऊपर एंट्री करते हैं तो एंट्री के साथ ही आपको फैमिली लाउंज देखने को मिल जाता है। अभी बारी है हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की। आप देख सकते हैं आपको स्पेशियस रूम मिलेंगे काफ़ी, और आपको इसी रूम के साथ एक अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी, और आपको इसी रूम में बिल्कुल सेम अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को भी मिल जाता है। तो इसी के साथ जो हमारे हाउस की बाहर से बालकनी रहेगी उसकी एक एंट्री आपको जो हमारा फैमिली लाउंज है आपको उधर से देखने को मिल जाएगी। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आपको स्पेशियस रूम मिल जाता है, आपको अच्छा खासा स्पेस के बिल्कुल सेम आपको सामने LED लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ आपको अटैच ड्रेसिंग, आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। फैमिली लाउंज का जो एरिया है उसके साथ आपको एक अटैच बालकनी दिखेगी जो कि हमारी बहुत ही स्पेशियस रहेगी, और इसी से आपको ऊपर की तरफ एक राउंड स्टेयर देखने को मिल जाएगा जो हमारा सेकंड फ्लोर की तरफ जाता है। तो आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए बाहर से। तो इसी के साथ हम ऊपर चलते हुए अभी चलेंगे हमारे हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप देख लीजिए आपको वहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, आपको अच्छा खासा यहाँ पर सिटिंग एरिया मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इस जगह को इस्तेमाल में ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नमस्कार।